अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निर्मला जी, हम पूछ सकते हैं क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी को इस तरह से हाथ लगाने की? क्या करने क्या जा रही थी आप? आवाज नीचे, हमसे ऊंची आवाज में बात करने का कोशिश मत करना। तुम्हारी दीदी जो की है ना, उसके हिसाब से इसको धक्का मार के नहीं, लात मार के घर से निकालना चाहिए। जब से इस घर में आई है, बर्बादी पे बर्बादी हो रहा है, और आज तो हद हो गया। ये हमारे बेटे के साथ साथ हमारे पति को भी ले डूबी। ले जाओ इसको यहाँ से, हमको नहीं चाहिए ऐसी बहू। माँ, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो, आज हम बात करेंगे। और तुम हमारी हिम्मत देखना चाहती हो ना, तो कान खोल के सुन लो कि ललिता मिश्रा का महफिल नहीं, हमारा घर है, और यहाँ हम बोलेंगे, तुम सुनोगी। निर्मला जी, शांत हो जाइए, बैठकर बात तो भी कर सकते ना। बैठने बतियाने से कुछ तो नहीं होगा। अब हम इस धोखेबाज को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ले जाइए यहाँ से। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, अगर आपने एक शब्द भी और कहा या दीदी को हाथ लगाया तो सच कह रहे हैं, यहीं आपको धोबी पछाड़ देंगे। बुलबुल, ये क्या तरीका हमारी माँ से बात करने का? क्यों बुरा लगा आपको विशेष जी कि हमने आपकी माँ से इस तरह से बात किया? और आपकी माँ दीदी के साथ जो बुरा व्यवहार कर रही है उसका क्या? आपको पता है हमें सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है? कि आप यहाँ खड़े होके ये सारा तमाशा बस देख रहे हैं। हमने आपसे कहा था जीजू, अगर दीदी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार करेगा तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम तो यहाँ मधुश्रावणी की पूजा के लिए आप दोनों को लेने आए थे, यहाँ आकर देखते हैं यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बुलबुल, तुम कैसा सोच रही हो, वैसा नहीं है। दरअसल जी प्लीज कुछ मत कहिए आप, हम कुछ समझ नहीं रहे, जो कुछ हो रहा है हम अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो भी गलत है? देख लिया, रंजू मिश्रा की बेटी के संस्कार। अरे एक बहन हमारे घर में बर्बादी करती है और हम कुछ बोले तो दूसरी बहन हमारा छाती पर चढ़ के हमारा मुंह बंद करती है। यही है रंजू की बेटियां। बस निर्मला जी बस, बात क्या ये तो बताइए, शालू ने कौन से पैसे डुबा दिए आपके? हम बताते हैं, कौन से पैसे और कैसे डुबोए। ये लड़की अपने आप को बहुत होशियार समझती है, बिना जांच पड़ताल किए हमें भरोसे में लेकर हम बाप बेटे के सारे पैसे, सारी जमा पूंजी डुबा दी, पूरे 1 करोड़, वो भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। कभी एक साथ 1 करोड़ रुपए तो देखे नहीं, कैसे करती इतने पैसों की कीमत? लेकिन हमारा दिमाग कह रहा है कि ये जितना देखने में सीधी है ना, उतना है नहीं। ओ न हो, वर्मा के साथ साजिश में ये भी मिली हो, और हमारा सारा पैसा। चुप हो जाइए प्लीज। तेरी माँ सही कहती है, कोई जादू टोना कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर। अरे ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी है कि 50 लाख रुपए डूबने का कोई भी दर्द नहीं है तुझे। बच्चू पांडे, तुम्हारी घटिया सोच देखकर शर्म आती है तुम्हें दोस्त कहते हुए। गुड्डू बाबू, ललिता जी ने आपको लूटा
आपने कुछ नहीं किया है, ये आपकी समस्या है। अगर हमें कोई लूटने का प्रयास किया ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस बहुत हो गया, जो मन में आया बोले जा रहे। एक शब्द हम दीदी के खिलाफ और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच कह रहे, अपनी मान मर्यादा सब भूल जाएंगे हम। तो क्या करोगी है? मारोगी हमको? जिनका जमीर पहले ही मर चुका हो उन्हें हम क्या मारेंगे। लेकिन हाँ, एक शब्द और निकाला ना तो वो आपके मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द होंगे। आप मार लीजिए दीदी, आपको हक है, क्योंकि आप तो मां की परछाई है ना। लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहिए तो हमारी जान ले लीजिए दीदी, लेकिन हम आपका अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको हमारी कसम दीदी, आप हमारे साथ चलिए। हम आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहने देंगे जो घर की लक्ष्मी को जंगल की चुड़ैल समझते। दीदी आप कहने सुनने को कुछ नहीं रहा, आप चलिए। चलिए दीदी। शालू जी, विक्की, वर्मा का क्या अपडेट है? मॉम, उन लोगों ने वर्मा को ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी भी कीमत पे वर्मा उनके हाथ नहीं लगने वाला। लाली, हम लोग के वास्ते ना वर्मा जी जैसा ना शातिर और समझदार आदमी का जरूरत है। देखो कैसे अपना हिस्सा लिया और गायब हो गया, वाह। किंतु लाली, इतना जो पैसा है इसका तुम क्या करेगा, कुछ सोचा है? मम्मा, ये पैसा वहां जाएगा जहां से आया है, लेकिन बच्चू पांडे या विशेष के पास नहीं, निर्मला जी के पास। वो भी तब जब उनके ऊपर एहसान जता दे तब। मॉम, इस बार वो लाख कोशिशें कर लें फिर भी हम तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है और ना ही उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो लोग हम पे शक कर सकें। हाय मॉम। हाय लक्की, आजकल कहाँ गायब रहता है, कुछ अता पता ही नहीं रहता तुम्हारा। वो मॉम, दरअसल मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है ना, बस उसी में बिजी। वाह क्या बात है। तो मॉम, लकी का प्रोजेक्ट और हमारी जीत की खुशी में पार्टी तो बनती है? नहीं विक्की, जीत और खुशी दोनों अधूरी है। हमें ये पता लगाना है कि निर्मला जी ने हमारी खुशी में चार चांद लगाए हैं या नहीं। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।